सोलन के ग्राम शाया में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिसका नाम खेमचंद है उसके साथ धोखाधड़ी का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। खेमचंद जो मानसिक रूप से 75% अक्षम व्यक्ति है जिसके माता पिता का देहांत हो गया है, वे खेतीबाड़ी का काम करने में अक्षम व्यक्ति है। इसके नाम ग्राम शाया में 24 बीघा के लगभग जमीन थी। ये जमीन मानसिक रूप से कमजोर खेमचंद का बुढ़ापे का सहारा थी। ऐसे में आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति ने ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को गुमराह कर 24 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली है। एएसपी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि एक वृद्ध अक्षम व्यक्ति की धोखे से किसी व्यक्ति ने 24 बीघा जमीन हथिया ली है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है, जिस संदर्भ में अभियोग धारा 420 भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत किया और मामले की आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना धर्मपुर के अंतर्गत गांव मैया एक विलेज है और वहां के एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसी के एक गांव के व्यक्ति ने एक अक्षम व्यक्ति से धोखा करके जमीन अपने नाम पे करा ली है। तो इस संदर्भ में थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी गिरफ्तारी होगी अभी इसमें फैक्ट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी।